करें स्टार्ट। देखो, लास्ट टाइम हमने एग्जांपल्स किए थे कॉन्सेप्चुअल कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ सेंटर ऑफ मास, और हमने ये डिस्कस किया था कि जो आइसोलेटेड सिस्टम होते हैं जिनमें एक्सटर्नल फोर्स जीरो होती है, उनके अंदर या तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे रहता है या हमेशा कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है। इसके कुछ कॉन्सेप्चुअल्स किए थे, जो हैंड रिटन शीट नंबर 72 मैंने कहा था वो दूंगा, तो ये एक पेज आपको मिल गया। जो लोग रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं वो शीट नंबर 72 का प्रिंट आउट लें। इसके अंदर मैंने पहला एग्जांपल दिया था, अगर बॉम्ब एक्सप्लोड होता है दो हिस्से निकलते हैं तो सेंटर ऑफ मास इनिशियली अगर रेस्ट पे है तो बाद में भी रेस्ट पे ही रहेगा। फिर मैंने ये बताया था कि अर्थ मास सिस्टम कैसे मूव करता है, मून सिस्टम, और मेन पॉइंट ये था कि अगर कोई प्रोजेक्टाइल मूव करता है और वो पैराबोलिक पाथ फॉलो करता है, अगर उड़ते उड़ते उसका एक्सप्लोजन हो जाता है और उसके कई टुकड़े निकलते हैं, तो उन टुकड़ों का अगर आप कोऑर्डिनेट्स या वेलोसिटीज का सेंटर ऑफ मास निकालें तो तब भी वो पैराबोलिक पाथ ही कवर करेगा, चाहे रियलिटी में उस पाथ पे कुछ ना आपको दिखे। लेकिन आपने बोलना यही है सेंटर ऑफ मास क्या फॉलो कर रहा है, पैराबोलिक पाथ फॉलो करता है। कोई डाउट है इसमें? यहां तक क्लियर है? इसके बेस पे आज कुछ प्रॉब्लम भी आएंगी, और आपने अभी जो करना है वो शीट नंबर 69 हमने लास्ट टाइम शुरू की थी। शीट नंबर 69 हमने एग्जांपल कर लिया था। इसके बाद, इस एग्जांपल के बाद ये एक एग्जांपल है जो आपने देखना है। इस एग्जांपल में आपको ये गिवन है कि एक रिंग है, ये बड़ा सर्कल है, बड़े सर्कल का मास 6m है, अंदर दो छोटे छोटे सर्कल हैं, मास m और m है, m और m है, गिवन है। फिर इसमें ये भी गिवन है कि वर्टिकल लाइंस हैं, ये देख रहे हो नोज, और ये जो है पूरा एक स्माइली की फॉर्म में है। तो इसके अंदर बेसिकली क्या गिवन है कि ये जो लाइन है इसका मास m है, इसका मास m है, ये जो है मास m है, ये m है, और टोटल 6m है। पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास बताना है कहां पर होगा। पहला पॉइंट, कितने मासेस दिखाई दे रहे हैं, एक एक दो तीन चार पांच, पांच मासेस हैं, पांचों का सेंटर ऑफ मास निकालें, और फिर पूरे सिस्टम के सेंटर ऑफ मास के लिए पांचों का सेंटर ऑफ मास है सिस्टम का सेंटर ऑफ मास। ठीक, पहले पांच का सेंटर ऑफ मास देखें, पहले पूरा 6m लेते हैं। 6m का सेंटर ऑफ मास क्वेश्चन में गिवन है, जो कि ओरिजिन गिवन है 0.0, ये रहा 0.0, तो आप चेक करो 6m के नीचे मैंने क्या लिख दिया, इधर देखो 0.0। फिर देखो ये कोऑर्डिनेट देख रहे हो, अब ये y एक्सिस हो गया, ये x एक्सिस हो गया, तो ये डिस्टेंस आपको a गिवन है, तो y एक्सिस में a है, x एक्सिस में माइनस a है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, माइनस a, देखो ना इधर से भी ये, इधर से भी ये, तो यहां पर x कोऑर्डिनेट नेगेटिव होगा, y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा, तो माइनस a कॉमा a, कोई डाउट इसमें? क्लियर है यहां तक? यहां पर क्या बनेगा, ये a और ये a, तो क्या बनेगा, a कॉमा a, a कॉमा a, क्लियर है यहां तक? फिर नीचे का कोऑर्डिनेट देखें, नीचे का, अच्छा हाँ, यहां का कोऑर्डिनेट देखें, इस लाइन का मिड पॉइंट ये रहा a डिस्टेंस पे, तो यहां पर कोऑर्डिनेट होना चाहिए 0.-a, करेक्शन करो 0.-a, क्योंकि y एक्सिस है ना, y एक्सिस पे ये कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए 0, x कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए 0, और ये क्या होना चाहिए -a, क्योंकि सॉरी a माइनस ए नहीं a 0.a, क्योंकि ये ऊपर की तरफ है 0.a। पॉइंट समझ में आया क्या करेक्शन है, दे रहे हैं यहां तक? तो ये क्या आ जाएगा 0.a। फिर इधर आ जाएं, इसका मिड पॉइंट कहां पर है, ये रहा, तो ये नीचे की तरफ है ये y एक्सिस पे, तो 0.-a, 0.-a कोऑर्डिनेट्स समझ में आ गए। हर बॉडी का सेंटर उसका कोऑर्डिनेट बन जाएगा, और y और x एक्सिस अगर आपको दिखता है तो आप सारे कोऑर्डिनेट्स निकाल लेंगे। तो करेक्शन कर लेना यहां पर, ये देखो m, ये बिल्कुल सही है, m का कोऑर्डिनेट क्या है -a, a, बिल्कुल सही। फिर ये भी सही है, ये देखो इस m का कोऑर्डिनेट क्या है a, a, ये बिल्कुल सही है। फिर नेक्स्ट आ जाओ, इस m का कोऑर्डिनेट क्या है 0.a, करेक्शन करो, दिस शुड बी 0.a, दिस इज 0.a, कर लिया। नेक्स्ट ये m है, इसका कोऑर्डिनेट क्या है 0.-a, और टोटल का तो पता ही आपको 0.0, तो कितने कोऑर्डिनेट्स हैं, पांच आ गए।
और सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट क्या निकलेगा, एम वन एक्स वन एम टू एक्स टू कहाँ तक, पाँच तक। तो आपको इस क्वेश्चन के अंदर और ऐसी वाई एक्सिस के भी पांच कोऑर्डिनेट्स निकलेंगे, मतलब पांच एडिशंस होंगी। तो एक्स वन वाई वन पता है, एक्स टू वाई टू पता है, एक्स थ्री वाई थ्री, एक्स फोर वाई फोर, एक्स फाइव वाई फाइव। तो यहाँ से सॉल्व करके एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट कैन बी कैलकुलेटेड कर लोगे। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन को आपने ट्राई करना है। ये एक वॉल है और वो कह रहे हैं सारे डिस्टेंसेस आपने दीवार से लेने हैं। तीन ब्लॉक्स हैं, मास m, m, m। इसकी लेंथ l है। ये ब्लॉक आपने l बाय फोर थोड़ा सा राइट की तरफ कर दिया, ये ब्लॉक आपने l बाय फोर थोड़ा राइट की तरफ कर लिया और ज्यादा कर दिया। तो इसका पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास इस दीवार से कितनी दूरी पे है ये बताओ। तो आपको सेंटर ऑफ मास बताना है इस पूरे सिस्टम का। हाइट में नहीं पूछा कितने ऊपर है, ऑब्वियसली ऊपर ही होगा। वाई कोऑर्डिनेट नहीं पूछा, एक्स कोऑर्डिनेट पूछा है। एक्स एक्सिस में दीवार से कितनी दूरी पे है ये बताओ। तो लॉजिक ये लगेगा, इसका पॉइंट इस ब्लॉक का सेंटर ऑफ मास सेंटर पे, इस ब्लॉक का सेंटर ऑफ मास सेंटर पे, इस ब्लॉक का सेंटर ऑफ मास सेंटर पे, तीनों सेंटर ऑफ मास का सेंटर ऑफ मास सिस्टम का सेंटर ऑफ मास निकालो। सिस्टम का सेंटर ऑफ मास
समझ में आ गया ये? सही है। देखो आपने क्या करना है, इस बॉडी का सेंटर ऑफ मास कहां पर है? सेंटर पे। सेंटर का डिस्टेंस इस सारे डिस्टेंसेस यहां से लेने हैं, कितना? एल बाई टू, एल बाई टू कॉमा जीरो, एक्स एक्सिस देखना है सिर्फ। इसका सेंटर ऑफ मास यहां पर है। अब पहले अगर ये इसके ऊपर पड़ा होता तो सेंटर ऑफ मास इसका भी एल बाई टू पे होता, पर आपने इसको आगे की तरफ खिसका दिया एल बाई फोर, तो यानी कि इसका सेंटर ऑफ मास का यहां होगा, एल बाई टू तो होगा ही होगा प्लस एल बाई फोर होगा, तो इसका सेंटर ऑफ मास शिफ्ट हो गया भाई एल बाई फोर। ऊपर वाले का सेंटर ऑफ मास और भी शिफ्ट हो गया, एल बाई टू प्लस एल बाई फोर प्लस एल बाई फोर। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? तो तीनों का मास सेम है, तो एम वन एक्स वन प्लस एम टू एक्स टू प्लस एम थ्री एक्स थ्री बाई एम वन प्लस एम टू प्लस एम थ्री, सॉल्व करके आपके पास आंसर आएगा थ्री एल बाई फोर। हमेशा क्लियर है यहां तक? कोई डाउट इसमें? ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपने सॉल्व करना है, आपको दो शीट्स गिवन है, ठीक है, दो शीट्स है, समझ लो क्वेश्चन। दो शीट्स स्क्वायर शीट्स हैं, ये लेंथ एल है, ये एल है, ये एल है और ये एल है। रेफरेंस पॉइंट गिवन है ओ, सारे डिस्टेंसेस कहां से लेने हैं? फ्रॉम ओ। सिस्टम का सेंटर ऑफ मास निकालना है, इस शीट का सेंटर ऑफ मास इसके सेंटर पे, इस शीट का सेंटर ऑफ मास इसके सेंटर पे, दोनों का सेंटर ऑफ मास का सेंटर ऑफ मास दोनों शीट का सेंटर ऑफ मास, राइट? कंफ्यूज करने के लिए मैंने शीट बोला, क्वेश्चन पूछने वाले ने कंफ्यूज करने के लिए आपको सिंबल रो दे दिया। अब मैंने आपको बताया था कि तीन किस्म की डेंसिटीज होती है, लैम्डा दैट इज मास पर यूनिट लेंथ, सिग्मा मास पर यूनिट एरिया, रो मास पर यूनिट वॉल्यूम। ऐसे किया था, सिग्मा का मतलब क्या होता था? सरफेस चार्ज डेंसिटी और सरफेस मास डेंसिटी, सॉरी, और रो का मतलब वॉल्यूम मास डेंसिटी, यही था ना? उसने सिंबल तो रो का यूज कर लिया, रो लिखते ही मेरे दिमाग में आया मास पर यूनिट वॉल्यूम होगा, पर तो शीट है, नाम उसने क्या दिया? सरफेस मास डेंसिटी। काम सिग्मा का करेगा लेकिन नाम रो का लगा दिया, बट आपने सिंबल पे नहीं जाना। अगर वो ये बोल रहा है ये सरफेस मास डेंसिटीज है, तो सरफेस का मतलब एरिया वाइज, तो मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर एरिया, जब वर्ड वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन आएगा तो मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर वॉल्यूम, अगर वर्ड सरफेस आएगा तो मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर सरफेस एरिया। तो अगर मैं कहूंगा कि इसका मास निकाल लो शीट का, तो लास्ट टाइम हमने किया था रो को, रो का मतलब मास पर यूनिट एरिया को एरिया ऑफ शीट से मल्टीप्लाई कर दें तो मास आ गया, तो रो वन इंटू एरिया कितना है शीट का? एल स्क्वायर मास आ गया। फिर दूसरी शीट का मास कैसे आएगा? रो टू इंटू दूसरी शीट का मास एल स्क्वायर, दूसरी शीट का मास आ गया। अब सोचो आगे कैसे करना है, तो ठीक है कोऑर्डिनेट्स निकालो और फिर आंसर सॉल्व करो।
देखो तो इसका कोऑर्डिनेट सी वन का कोऑर्डिनेट देखते हैं, देखो इसे एक्स एक्सिस मान लेते हैं राइट, वाई एक्सिस तो चाहिए ही नहीं, इसी के ऊपर निकालना है जो निकालना है। तो बताओ इसकी दूरी कितनी है, ये एल है तो हाफ कितना है, एल बाई टू राइट। तो ठीक है सी वन एल बाई टू कॉमा जीरो। फिर ये बताओ सी टू कितना है, ये कितना है एल, एल प्लस एल बाई टू कितना थ्री, एल बाई टू कॉमा जीरो। क्या पॉइंट क्लियर है, ऐसे निकलते हैं ना कोऑर्डिनेट्स, दूरी निकल रही है इसकी। तो मास इसका हमने निकाल लिया, इसका निकाल लिया, आंसर आ गया एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू एम वन और एम टू। तो लगाओ एम वन एक्स वन एम टू एक्स टू एम वन प्लस एम टू, वैल्यूज को पुट करेंगे, वैल्यूज जब पुट करेंगे तो एल स्क्वायर इंटू एल, एल क्यूब की टर्म आएगी यहाँ पे, एल स्क्वायर ऊपर नीचे कॉमन आएगा, कट जाएगा, जो बचेगा फिर वो आंसर हो जाएगा। मेथड समझ में आ रहा है कैसे करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है आपने। और ऐसे करो इस क्वेश्चन को ना यहां से मत देखना, अपने आप करो, ये लो आपके सामने ना एक टी बनाई हुई है, ये टी है, डायमेंशन बता देता हूं, ये 2 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है, ये 8 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर है, या मीटर कर लेना सेंटीमीटर जो मर्जी कर लेना, और ये ओ पॉइंट है, और ये डिस्टेंस भी गिवन है 3 सेंटीमीटर या मीटर गिवन है, जो भी मीटर कर लो, मीटर करना है जैसे मर्जी कर लो ठीक। ये लो तो आपको इस केस में सेंटर ऑफ मास निकालना है इस सिस्टम का, और क्वेश्चन में गिवन है सिग्मा, सिग्मा का मतलब क्या गिवन है, मास पर यूनिट एरिया इज कॉन्स्टेंट फॉर बोथ ब्लॉक्स, दोनों शीट्स के लिए सिग्मा सेम है। तो आप इसको दो डिब्बे लेना, दो शीट्स लेना, एक और दो, सिग्मा इंटू इसका एरिया इसका मास आ जाएगा, सिग्मा इंटू इसका एरिया इसका मास आ जाएगा। इसका सेंटर निकालो, इसका सेंटर निकालो, दोनों का सेंटर ऑफ मास, सिस्टम का सेंटर ऑफ मास।
कितने लोगों का हो गया ये? देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसका सेंटर निकालेंगे। देख इसका पहले इसको ओरिजिन मान लेते हैं, तो ओरिजिन मानते हुए इसका जो सेंटर है ये 2 मीटर है, तो आधा कितना हो गया 1 मीटर। तो कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, 0, -1 लगा सकते हो आप। कई लोग सोच रहे होंगे अगर ये ओरिजिन है तो नीचे का एक्सेस माइनस में चलेगा, तो 0, -1 निकालो कोई दिक्कत नहीं, इसको माइनस लगा लो, इसको लगा लो, तो आंसर भी माइनस में आएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर चलो मैंने पॉजिटिव ले लिया, 0, 1 क्लियर है। फिर यहां से अब ये जो शीट देख रहे हो ये 6 मीटर लंबी है, इसका सेंटर ऑफ मास 3 मीटर पे आएगा, तो यहां से यहां कितना है 2 मीटर, 2 + 3 मीटर कितना हुआ 5 मीटर। तो कोऑर्डिनेट क्लियर है 0, 5, ठीक है यहां तक? तो दोनों कोऑर्डिनेट्स आ गए, इसका सेंटर आ गया, इसका सेंटर आ गया। इसका जो मास होगा, मास सिग्मा इंटू एरिया क्या है 8 × 2 = 16, इसका मास आ गया। ऐसी इसका सिग्मा 6 × 2 कितना 12, तो सिग्मा इंटू 12, तो आपके पास y सेंटर ऑफ मास की वैल्यू आएगी m1 y1 + m2 y2 / m1 + m2। तो m1 m2 की जगह वैल्यू पुट करेंगे और ठीक है, सिग्मा कैंसिल हो जाएगा, आपके पास अपने आंसर आ जाएगा। मेथड समझ में आ रहा है कैसे करना है? ठीक, तो मास गिवन नहीं होगा, मास सिग्मा की हेल्प से आपको एरिया मल्टीप्लाई करके मास निकालना पड़ेगा, पहले अपर ब्लॉक का फिर लोअर ब्लॉक का, दोनों के सेंटर निकालने पड़ेंगे, फिर सिस्टम का सेंटर ऑफ मास आएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, और नेक्स्ट प्रॉब्लम है कि कर सकते हो तो ट्राई करना, वैसे दूसरे बैच में नहीं हुई किसी से, हो सकता है आपसे हो जाए। क्वेश्चन ये है कि एक ना बोट है, 40 kg की बोट है, ये किनारा है, साइड डिस्टेंसेस ओरिजिन से लेने हैं, बोट पड़ी हुई थी और बोट का सेंटर ऑफ मास मान लो एक्स डिस्टेंस पे पड़ा हुआ है, जो गिवन नहीं है, आपने खुद एज्यूम किया, वैसे मैंने इसमें गिवन नहीं है। एक मैन है 10 kg का, गिवन है कि 20 मीटर दूर है इस किनारे से, मैन 20 मीटर दूर है, ये एक्स डिस्टेंस दूर है, और हुआ क्या, मैन 8 मीटर आगे चलता है, तो सोचो वो दीवार है, मेरा डिस्टेंस उस दीवार से 20 मीटर है, मैं 8 मीटर आगे चलता हूं तो मेरी दूरी कितनी रह गई इसमें 12, है ना 12। हुआ क्या, जब मैं आगे चलता हूं, इसलिए 12 क्योंकि फ्लोर रेस्ट पे है, जब मैं आगे गया बोट पीछे हो गई, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, बंदा आगे जाता है बोट पीछे हो गई, तो बोट मुझे कुछ डिस्टेंस पीछे ले आई, मैं अच्छा वाला 8 गया था पर बोट मुझे कुछ डिस्टेंस पीछे ले आई। आपको बताना है, अब जब मैं 8 मीटर आगे गया बोट मुझे पीछे ले आई, अब मेरा डिस्टेंस उस दीवार से कितना है? 12 मीटर तो नहीं होगा क्योंकि बोट मुझे थोड़ा सा पीछे लेके आएगी, 12 से आंसर ज्यादा आएगा, कितना आएगा ये क्वेश्चन है। प्रॉब्लम समझ में आ गई, क्वेश्चन समझ में आ गया, क्या निकालना है? मैं आपको हिंट देता हूं, हिंट के साथ भी कर दोगे तो भी बड़ी बात, क्योंकि बोट एंड मैन आर आइसोलेटेड सिस्टम, इट फॉलोज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। जब मैन नहीं चला था, बोट एंड मैन का सेंटर ऑफ मास किसी पॉइंट पर था, क्योंकि इसका सेंटर ऑफ मास बोट का सेंटर पे है, मैन का मैन के अंदर है, इन दोनों का सेंटर ऑफ मास कहीं कहीं होगा। जब मैन चला बोट पीछे आई, सेंटर ऑफ मास इनिशियली रेस्ट पे था, बाद में भी रेस्ट पे ही रहेगा, सेंटर ऑफ मास की लोकेशन चेंज नहीं होगी। आज किया हमने, सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे रहेगा, आपको करना कुछ नहीं है। जब ये मैन यहां पर है, बोट यहां पर है, फाइंड सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम। जब मैन चल पड़ा, बोट पीछे आ गई, फाइंड न्यू सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम, न्यू एंड ओल्ड सेंटर ऑफ मास सेम वैल्यू, उनकी सेम वैल्यू होगी, इक्वेट कर दें। सोचे खुद भी सोचे, मैंने हिंट देना था दे दिया, सेंटर ऑफ मास निकाल लें जब मैन अभी यहां खड़ा हुआ है, सेंटर ऑफ मास निकाल लें जब मैन चलेगा, 8 मीटर चला गया, फिर देखें उसको आके क्या करना है।
हाँ जी, कितने लोगों को समझ में आया? आया, ठीक है। देखो हम क्या करेंगे, सेंटर ऑफ मास पहले इस मैन को यहीं रहने दो। इस मैन का मास 10 केजी है, इसका एक्स कोऑर्डिनेट 10 जो होगा वो कितना होगा, 20 मीटर होगा। इस बोर्ड का सेंटर ऑफ मास सेंटर पे है, इसका डिस्टेंस यहाँ से सपोज कितना है, एक्स है। सिस्टम का सेंटर ऑफ मास क्या होगा, बोर्ड का मास, बोर्ड का सेंटर ऑफ मास, मैन का मास, मैन का सेंटर ऑफ मास अपॉन बोर्ड का मास प्लस मैन का मास। आगे आंसर। अब एक काम करो, मैन को बोलो कि तू थोड़ा आगे चल 8 मीटर, मैन 10 केजी का आगे चलता है 20 माइनस 8, क्योंकि वो 20 मीटर पे है, 8 मीटर आगे गया, बोट सपोज x डैश डिस्टेंस पीछे ले आती है, तो मैन का डिस्टेंस कितना हो जाता है, 20 माइनस 8 प्लस x डैश, और बोट का पहले x था, बोट पीछे आ गई, तो बोट का क्या हो जाता है, x प्लस x डैश। कोऑर्डिनेट्स क्लियर है यहां तक? तो बोट x पे नहीं रहेगी, x डैश पर। सेंटर ऑफ मास इनिशियल फाइनल अपनी लोकेशन चेंज नहीं करेगा, क्योंकि हमने किया था, इट इज एन आइसोलेटेड सिस्टम, दोनों को इक्वेट कर दो, इक्वेट करके सॉल्व करो, सॉल्व करके x डैश आएगा, x डैश आएगा, तो मैन का डिस्टेंस 20 में से 8 प्लस बोट कितना पीछे लेके गई 1.6, कुल मिला के मैन का डिस्टेंस 13.6 मीटर आएगा। कोई डाउट इसमें? पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? ठीक, ओके। उसी तरीके से आप एक और क्वेश्चन करो, ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो, हिंट दे रहा हूं, एक प्रोजेक्टाइल 37 डिग्री पे प्रोजेक्ट किया गया 100 मीटर पर सेकंड से, ना एक्सप्लोड होता तो यहां आके गिर जाता, टॉप मोस्ट पॉइंट पर दो टुकड़े हो गए 1:3 रेशियो में, एक छोटा टुकड़ा है एक बड़ा टुकड़ा है, छोटा टुकड़ा तो बिल्कुल नीचे गिर गया, कहां पर, बिल्कुल हाईएस्ट पॉइंट के मिड पॉइंट यानी कि आर बाय टू पे, तो अगर ये ना एक्सप्लोड होता तो आर पे गिरता, आर पे गिरता, तो छोटा टुकड़ा आर बाय टू पे गिरा, यहां पे बड़ा टुकड़ा जमीन पे कहां गिरा बताओ, एक्स बताओ, ये क्वेश्चन है, बड़ा टुकड़ा कहां गिरा एक्स ये बताओ, छोटा तो नीचे गिर गया, बड़ा कहां गिर गया ये बताओ। और हिंट कि एक्सप्लोजन हो एक्सप्लोजन ना हो, सेंटर ऑफ मास वही रास्ता फॉलो करेगा जो वो पहले करता था, और सेंटर ऑफ मास अगर ना एक्सप्लोजन होता जमीन पे कितनी दूरी पे गिरता, आर, तो अब भी कहां पर गिरेगा, आर। तो सोचें कैसे करेंगे।
समझ में आ गया, क्या बात है। देखो सेंटर ऑफ मास जो है वो सबसे पहले ये देखते हैं कि रेंज क्या है। अगर एक्सप्लोजन ना हुआ होता तो सेंटर ऑफ मास कहाँ जाके गिरता, आर पे। आर का फॉर्मूला क्या है, वी स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। थीटा आपको 37 गिवन है, तो साइन ऑफ 2 इंटू 37। साइन 2 थीटा क्या होता है मैथ्स में, 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। कॉस 37 कितना है, 4/5। साइन 37 कितना होगा, 3/5। तो रेंज पता लग जाती है एक्सप्लोजन हो ना हो। सेंटर ऑफ मास 960 मीटर पे जाके गिरेगा, ठीक हो गया यहां तक। अब सेंटर ऑफ मास अगर यहां गिरेगा तो जमीन का डिस्टेंस एक्स एक्सिस होता है, ठीक। तो सेंटर ऑफ मास के दो टुकड़े हुए थे, एक पीछे गिरा था और एक आगे गिरेगा। क्यों, क्योंकि पिछला और अगला टुकड़ा के सेंटर ऑफ मास की पोजीशन वही रहेगी जो एक्चुअल में होनी चाहिए थी। कहने का मतलब, एक टुकड़ा कहां पर गिरा सेंटर ऑफ मास का, सेंटर ऑफ मास का एक टुकड़ा यहां गिरा, यहां का मतलब टोटल डिस्टेंस कितना है 960, इसका आधा आ गया कितना 480 पे। छोटा टुकड़ा कहां पर गिरा जमीन के डिस्टेंस पे, 480। बड़ा टुकड़ा कहां गिरा, एक्स। बड़ा टुकड़ा इस पॉइंट के राइट ही गिरेगा क्योंकि इसका और इसका सेंटर ऑफ मास कहीं बीच में आना चाहिए एट अ डिस्टेंस ऑफ आर। तो ये पॉइंट सेंटर ऑफ मास है इसका और इसका। तो इसका कोऑर्डिनेट एक्स कितना है, 480। इसका कोऑर्डिनेट कितना है, एक्स। और इसका कोऑर्डिनेट कितना है, 960। तो आप चेक कर सकते हो सेंटर ऑफ मास की लोकेशन का फॉर्मूला लगाया, सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट क्या पुट किया, 960। वो तो 960 पे ही गिरेगा। एक टुकड़ा छोटा m, दूसरा 3m, 1:3 की रेशियो है। छोटा टुकड़ा 480 पे गिरा मिड पॉइंट ऑफ रेंज पे, बड़ा टुकड़ा x पे गिरा, टोटल मास m प्लस 3m। सॉल्व करके आंसर 1120 मीटर। पॉइंट समझ में आया यहां तक कैसे करना है, कोई डाउट इसमें, ठीक। अब आपने क्वेश्चन देखना है ये वाला, नेक्स्ट टाइम सेंटर ऑफ मास की एक शीट बना के लाऊंगा मैं और वो आपको प्रैक्टिस यहीं करने को मिलेगी 30 मिनट्स के टाइम के साथ। पहले सोचा था रोटेशनल करूंगा, हो सकता है रोटेशनल भी स्टार्ट हो जाए नेक्स्ट टाइम, मैं कह नहीं सकता, बट सेंटर ऑफ मास पे एक घंटा भी कम से कम लगेगा, तो उसके बाद फिर रोटेशनल देखेंगे। बट अगली बार आप अपने हाथ से प्रैक्टिस करेंगे, ये सब रिवाइज करके आएंगे, एक बार गो थ्रू करके आना ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको पता होना चाहिए कि कैसे क्या क्या कॉन्सेप्ट्स हैं, तो फिर यहीं पे हम लगाएंगे और यहीं पे ट्राई करेंगे, फिर यहीं डाउट्स लेंगे। टेस्ट तो नहीं कहूँगा, एक प्रैक्टिस सेशन बोल लो, जैसे कि आप अपने हाथ से सब ट्राई करेंगे, राइट। देखो इसके अंदर क्या गिवन है कि आपके पास तीन ब्लॉक्स हैं, ठीक, तीन ब्लॉक्स हैं और तीनों का मास सेम है, 25 सेंटीमीटर लंबा ब्लॉक है। आपने क्या करना है कि इस ब्लॉक के ऊपर एक ब्लॉक 25 सेंटीमीटर का पड़ा था, आप इसे कितना शिफ्ट करते हैं, कितना गिवन है, 8 सेंटीमीटर, तो ये नहीं गिरेगा ऊपर वाला। क्यों, क्योंकि जब तक ये 12.5 इसका सेंटर ऑफ मास इस बाउंड्री को क्रॉस नहीं करता, इसका सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा, 12.5 पे, इस बाउंड्री को क्रॉस नहीं करेगा, ये नीचे नहीं गिरेगा। और जैसे ये 12.5 सेंटीमीटर बाहर आ गया, ये नीचे गिर जाएगा, आधी रॉड ही रहेगी ना, इससे नीचे तो गिरी जाएगी। फिर कोई कहता है कि ठीक है, मैंने 8 सेंटीमीटर बाहर निकाला, कोटिना टूट जाएगा, 8 सेंटीमीटर बाहर निकाला, फिर मैंने इसको भी 8 सेंटीमीटर बाहर निकाल दिया, ऐसे कितने ब्लॉक्स टिका सकता हूं ताकि सिस्टम नीचे ना गिरे। बस इतना ही है, नंबर ऑफ ब्लॉक्स निकालने हैं।
एक ब्लॉक है, एक ब्लॉक को 8 सेंटीमीटर बाहर रख दिया, नहीं गिरेगा। एक और रख दिया, गिरेगा नहीं गिरेगा, नहीं गिरेगा तो बोल दे तीन ब्लॉक्स हैं, गिरेगा तो कह दे सर दो ही ब्लॉक्स टिक सकते हैं। तो नंबर ऑफ ब्लॉक्स बता कितने टिका के रख सकता हूँ। अच्छा ये देख, इसकी लेंथ 25 सेंटीमीटर है, मैंने एक सेंटीमीटर बाहर निकाला इसकी बाउंड्री से, नहीं नीचे गिरेगा, नहीं गिरेगा, नहीं गिरेगा, मिड पॉइंट आ गया। मिड पॉइंट कितना है 12.5। अब मिड पॉइंट से ज्यादा कर दिया 12.6। अब देख सेंटर ऑफ मास इस पॉइंट के नीचे चला गया ना, अब नीचे गिर जाएगा। अब तुम आगे अपने लॉजिक को एक्सटेंड करोगे कि अगर मैं तीन ब्लॉक्स लगाऊंगा, चार लगाऊंगा, तो कैसे डिसाइड करूं सिस्टम नीचे गिरेगा कि नहीं गिरेगा। रूल 12.5 का ही रहेगा, 12.5 सेंटीमीटर का ही रूल चलेगा। अब सोचो, आपने सोचना है। इस क्वेश्चन को करने का एक स्टाइल है कि पहले मुझे एक चीज बताओ। मैंने अभी एग्जांपल दिया था आपको, ये एक ब्लॉक है जो ग्राउंड पे पड़ा हुआ है, ये दूसरा ब्लॉक है जो इसके ऊपर आ गया। ये अगर अपनी आधी लेंथ बाहर निकाल दे, ये वाला ब्लॉक 12.5 सेंटीमीटर, तो नीचे गिर जाएगा, है ना, यही लॉजिक था। अब एक बात बताओ कि ये ब्लॉक इतना मोटा है, अगर थोड़ा और मोटा होता, थोड़ा और होता, थोड़ा और होता, तो भी लॉजिक तो ये रहता ना 12.5 सेंटीमीटर वाला। ये थोड़ी ना था कि आप इस पे सिर्फ इतना ही रिमोट लोगे, मोटा नहीं लोगे, क्या फर्क पड़ता है, आपको तो लेंथ देखनी है 12.5, यही लॉजिक है ना। मेरे कहने का मतलब कि अगर मैं एक की जगह दो ब्लॉक्स भी लगा लूं, तो ये ब्लॉक क्या कहता है कि आप मेरी इस लेंथ से 12.5 सेंटीमीटर आगे मत चले जाना। जब एक ब्लॉक था तो ये एक ब्लॉक को ये चीज समझा रहा है कि मत जाइए 12.5 से ज्यादा, तो गिर जाएगा। अब
दो ब्लॉक्स हैं, तो अब ये समझा रहा है कि मेरी इस लेंथ से तुम दोनों का सेंटर ऑफ मास, स्टेटमेंट चेंज कर दिया मैंने, तुम दोनों का सेंटर ऑफ मास 12.5 एक्सीड ना कर जाए। ये नहीं कि एक का, क्योंकि पहले एक का सेंटर ऑफ मास 12.5 एक्सीड कर रहा था, अगर नंबर ऑफ ब्लॉक्स दो हुए तो फिर दोनों का सेंटर ऑफ मास 12.5 एक्सीड नहीं करना चाहिए, और अगर तीन ब्लॉक्स हुए तो कहेगा कि तीनों का सेंटर ऑफ मास 12.5 एक्सीड नहीं करना चाहिए, तो टोटल सेंटर ऑफ मास जो ऊपर पड़ी हुई बॉडीज हैं 12.5 से एक्सीड नहीं करना चाहिए। इसको करने का तरीका मैथमेटिकल क्या है ये बताता हूं। जैसे सपोज करो ये आपका एक ब्लॉक है, ठीक, ये एक ब्लॉक तो फिक्स्ड है, देखो इसने तो मूव करना नहीं, ना इसने गिरना है, ये तो ग्राउंड पे है, और ये 25 सेंटीमीटर लंबा है आगे। अब मुझे पता है कि जो दूसरा ब्लॉक है वो थोड़ा सा मैं आगे ले गया, कितना आगे ले गया, 8 सेंटीमीटर आगे ले गया। अब अगर ये ब्लॉक एग्जैक्टली इसके ऊपर होता तो सेंटर ऑफ मास दोनों का कोइंसाइड करता है एक के ऊपर एक, पर आपने इसको आगे धक्का मार दिया तो इसका सेंटर ऑफ मास थोड़ा आगे चला गया है, बाईस कितने सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, राइट, क्लियर है। तो मुझे पता है कि ये नीचे नहीं गिरेगा बिकॉज 12.5 से ज्यादा डिस्टेंस बाहर नहीं गया, पर मैथमेटिकली कैसे प्रूव करना है नीचे नहीं गिरेगा। मैथमेटिकली के लिए पहले ब्लॉक को तो हमने मूव ही नहीं करवाया, तो पहले ब्लॉक का डेल्टा एक्स वन जीरो, डेल्टा एक्स वन का मतलब कितना शिफ्ट हुआ, पहला ब्लॉक तो शिफ्ट ही नहीं हुआ, पहला ब्लॉक तो जहां है वहां का वहीं पड़ा हुआ है। दूसरे ब्लॉक को आपने कितना शिफ्ट करवाया भाई, 8 सेंटीमीटर, तो डेल्टा ऑफ एक्स टू की वैल्यू कितनी आ गई, 8 सेंटीमीटर, ठीक, 8 सेंटीमीटर, क्लियर यहां तक, क्योंकि शिफ्टिंग, हम शिफ्ट देख रहे हैं कितना शिफ्ट होता है या कितना कोऑर्डिनेट मूव करवाया, एक ही बात है। फिर हम चेक करना चाहते हैं कि ये नीचे गिरेगा कि नहीं गिरेगा, हमें पता नहीं गिरेगा, पर मैथमेटिकली कैसे चेक करते हैं, मैथमेटिकली हम दोनों का कंबाइंड शिफ्ट निकालते हैं। कंबाइंड शिफ्ट का मतलब इसका सेंटर ऑफ मास की ये लोकेशन है, इसके सेंटर ऑफ मास की ये लोकेशन है, इन दोनों का सेंटर ऑफ मास कितना शिफ्ट आता है ये देखना चाहता हूं। तो दोनों की शिफ्टिंग निकालने के लिए फॉर्मूला यूज करूंगा, m इंटू डेल्टा x1, m इंटू डेल्टा x2 डिवाइडेड बाय m प्लस m, मास बराबर है, तो डेल्टा x1 की वैल्यू कितनी है 0, m इंटू डेल्टा x2 की वैल्यू कितनी है 8 डिवाइडेड बाय 2m, m से m कैंसिल कितना आएगा 4 सेंटीमीटर, यानी कि इन दोनों का सेंटर ऑफ मास इस पॉइंट से कितने सेंटीमीटर आगे है 4, पहले वाला ब्लॉक 8 सेंटीमीटर है लेकिन दोनों का सेंटर ऑफ मास कितना शिफ्ट हुआ है अभी 4 सेंटीमीटर, इसका मतलब ये 12.5 से कम है, ये नीचे नहीं गिरेगा अभी। तो एक काम करते हैं, एक और ब्लॉक लगा लेते हैं। चलो जब एक और ब्लॉक लगाया 8 सेंटीमीटर का, तो सेंटर ऑफ मास शुरू में तो तीनों का एक बराबर था, पर आपने इसको और शिफ्ट करवाया तो 8 + 8 इसकी शिफ्टिंग क्या मानी जाएगी, 16 सेंटीमीटर, क्योंकि 8 तो नीचे वाले का, ये 8 और आगे चला गया तो टोटल 16 सेंटीमीटर। तो अब इस रिजल्ट को मैं एक्सपैंड करने वाला हूं m इंटू डेल्टा x3 बाय m, तो इस रिजल्ट को एक्सपैंड करते हैं, m इंटू 16 डिवाइडेड बाय m प्लस m कितना 3m, तो कितना आएगा यहां पे सॉल्व करके चेक करना, कितना 8 आ रहा है, तो 12.5 से अभी भी कम है, इसका मतलब सिस्टम नीचे नहीं गिरेगा। एक काम करते हैं, अब एक और ब्लॉक ले लेते हैं, अब एक और ब्लॉक कितनी आगे आ चुका है इस पॉइंट से, 8 + 8 + 8 कितना 24 सेंटीमीटर, डेल्टा x4 इज 24 सेंटीमीटर। तो अब क्या करेंगे, फिर रिजल्ट लगाएंगे, फिर रिजल्ट लगा के आपके पास आंसर आएगा। मेथड नंबर टू डिस्कस कर रहा हूं मैं, पहले m इंटू डेल्टा x1, m इंटू डेल्टा x2, m इंटू डेल्टा x3, m इंटू डेल्टा x4 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4, 4m, m ऊपर नीचे का कैंसिल होके आंसर आएगा 12, अभी भी 12.5 से कम है, यानी कि चार ब्लॉक्स तो पक्के हैं नहीं गिरने वाले, जैसे ही पांचवा लगाओगे 12.5 से ज्यादा आ जाएगा, पूरे सिस्टम का सेंटर मास 12.5 एक्सीड कर गया, सिस्टम नीचे गिर जाएगा। तो कितने ब्लॉक्स लग सकते हैं इसमें, 4 ब्लॉक्स। तो इस तरीके से आप इसे चेक कर सकते हैं एक एक करके, शिफ्टिंग ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना होगा, बस 12.5 को एक्सीड ना करे, नीचे नहीं गिरेगा। क्लियर है यहां तक, ठीक है यहां तक। जो नॉन मेडिकल के स्टूडेंट हैं, मेडिकल वाले नहीं, छोड़ दें इसे, बस हिट एंड ट्रायल ठीक है मेडिकल वालों के लिए। नॉन मेडिकल वालों के लिए मान लो n नंबर ऑफ ब्लॉक्स हैं, पहले की शिफ्टिंग हमने कितनी कराई, 0 फिक्स रखा, सेकेंड की 8, नेक्स्ट की 16, पता नहीं ऐसे कितने ब्लॉक्स हैं, तो वो क्या करेंगे, डेल्टा x1 डेल्टा x2 जो टोटल शिफ्टिंग है सेंटर ऑफ मास की, वो 12.5 से कम होनी चाहिए। तो आप यहाँ वैल्यूज पुट करें, मैथ्स वाले लोग देख सकते हैं, नॉन मेडिकल वाले
कि ये AP बन गई है, AP का n टर्म्स का सम लगाएं, इनइक्वालिटी के साथ सॉल्व करें, n की वैल्यू सॉल्व करके कितनी आ रही है, लेस देन 4.1, लेस देन 4.1 में कितने प्लैक्स आएंगे, 4। ऐसा भी कर सकते हैं नॉन मेडिकल वाले, मेडिकल को जरूरत नहीं है। तो पॉइंट समझ में आया कि कैसे इस लॉजिक को आपने लगाना है। ये असाइनमेंट के अंदर ये एक पेज है, मैंने लास्ट टाइम एक्सप्लेन किया था, ये तो याद करने हैं, मेडिकल नॉन मेडिकल दोनों के एग्जाम में डायरेक्टली मार्क करने को आता है, मैंने इंपॉर्टेंट मार्क करवाया था, ये पक्का करने, इंपॉर्टेंट करना। इसके बाद ना एक और पेज है आपके, उसमें चेक करो, एक और पेज होगा जिसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया करके कुछ गिवन होगा, है ना, जिनकी तो नई असाइनमेंट है उनमें तो नहीं होगा, इसके बाद का पेज है, नहीं है, कईयों में होगा कईयों में नहीं होगा, बता देता हूं आपको क्यों नहीं होगा। मैंने जब प्रिंट कर रहा था तो मैंने देख लिया था, कईयों में तो प्रिंट होके चला गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग डिस्क, तो वो तो क्रॉस कर दें, जिनमें नहीं है वो आराम से बैठे हैं उनको तो नहीं, और जो रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं आपके में नहीं है, मैंने डिलीट कर दिया, अगर आप अब प्रिंट, आपने लेटेस्ट प्रिंट लिया है उसमें नहीं मिलेगा आपको, ढूंढने ऐसे मत क्रॉस करना शुरू कर देना, वो नहीं है पेज। क्लास में जो स्टूडेंट बैठे हैं वो देखें, आप मत देखें, रिकॉर्डिंग वाले देखें प्लीज, अब क्रॉस कर दें इसे, इस चैप्टर का नहीं है, गलती से प्रिंट हो गया। सेवेंटी वन नंबर शीट प्लीज ये क्वेश्चन ट्राई करें। 71
क्या होता है। ठीक है, तो फिर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन भी आया होगा सॉल्व करते हुए, अगर समझ में आया तो एक आना चाहिए, एक क्वेश्चन पूछना चाहिए आपको। ओके, फिर कोई बात नहीं, फिर ठीक है, समझ में आया, कोई बात नहीं। जिनको आ गया, एक क्वेश्चन बनता है पूछना। अच्छा, मैं साथ साथ ट्रे, अच्छा चलो ठीक, मैं साथ साथ एक्सप्लेन करता हूँ, आपके माइंड में शायद साथ साथ वो क्वेश्चन आए और आप साथ साथ पूछ लो। एक ट्रे है, ट्रे का मास कैपिटल एम है, आइस क्यूब है, लेंथ एल है, मास छोटा एम है, ठीक। और ये आइस मेल्ट हो गई ट्रे के ऊपर, ठीक, ट्रे के ऊपर आइस मेल्ट हो गई। तो अब वो कह रहे हैं सेंटर ऑफ मास पहले ट्रे और आइस का कहीं होता होगा, क्योंकि ट्रे का तो ट्रे के अंदर ही है, आइस का आइस के अंदर है, इन दोनों के कहीं बीच में होता होगा। अब आइस तो पिघल गई, तो सेंटर ऑफ मास भी शिफ्ट हो जाएगा, कहीं पर नई लोकेशन पे आ जाएगा। तो बताओ सेंटर ऑफ मास कितना डाउन आ गया, ऑब्वियसली डाउन तो आएगा ही, पूरी आइस जब नीचे आ जाएगी तो सेंटर ऑफ मास भी थोड़ा सा नीचे आएगा, तो कितना शिफ्ट हो गया, चेंज हो गया, ये बताओ। तो इसके लिए मैंने क्या किया, एक रेफरेंस पॉइंट ढूंढ लिया, क्योंकि कहां से निकालना है, सेंटर ऑफ मास पॉइंट फिक्स करना पड़ेगा, तो मैंने ग्राउंड ले लिया। मैंने ये कहा कि आइस का सेंटर ऑफ मास x2 पे है, ट्रे का सेंटर ऑफ मास x1 पे है, तो इस पूरे सिस्टम ऑफ आइस एंड ट्रे का सेंटर ऑफ मास के लिए मास ऑफ आइस इंटू डिस्टेंस x2 प्लस मास ऑफ ट्रे इंटू डिस्टेंस कितना x1 अपॉन m प्लस m। ये तो तब सेंटर ऑफ मास की पोजीशन है जब आइस मेल्ट नहीं हुई, राइट। अब मान लो हो गई, ये लो आइस मेल्ट हो गई, आइस जब मेल्ट हुई पानी कहां पर है, ट्रे पे है। तो मैंने लॉजिक ये लगाया कि ट्रे के सेंटर ऑफ मास में तो कोई चेंज नहीं आएगा, ट्रे तो बेचारी, ट्रे कौन सा मेल्ट हुई है, तो ट्रे का कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास कहां पर था, x1, अब भी कहां पर है x1, फर्क किसे पड़ेगा, आइस को, आइस पानी बन गया नीचे आ गया, तो आइस पहले कितनी हाइट पर थी, x2 सेंटर ऑफ मास कितना नीचे आएगा, ये l है तो ये l by 2 है, यहां से यहां तक l by 2 नीचे आ गया, तो आइस का पोजीशन क्या हो गया नया, x2 minus l by 2। क्वेश्चन बनता है, बोलो क्या बनता है, ठीक नहीं, दोबारा पूछो, आ गया पानी फैल गया, नहीं पानी फैल गया इधर, मान लो पानी ये ट्रे के ऊपर पूरा यूनिफॉर्म है, अब आगे तो वहीं रहेगा, अच्छा और उसकी भी तो कुछ हाइट होनी चाहिए आगे, ये भी पूछो, जो पानी है वो आपने बिखेर दिया ट्रे के ऊपर है ना, तो क्या पता पानी का लेवल इतना दिखे आपको ट्रे के ऊपर तैरता हुआ पानी है, तो पानी आपने l by 2 कैसे ले लिया, क्योंकि l by 2 x2 minus l by 2 समझते हो, बिल्कुल इस पिंक लाइन के ऊपर सेंटर मास ले लिया पानी का, और ऐसा तो तभी होगा जब आप पानी की बिल्कुल भी थिकनेस नहीं ले रहे, बिल्कुल फ्लैट है, चिपका हुआ है ट्रे के साथ पानी, पॉइंट समझ में आया। तो ये इस क्वेश्चन की अजम्पशन है कि पानी की हाइट नहीं लेनी आपने, जब पिघल गया बिल्कुल ट्रे के साथ चिपक गया, गिवन होना चाहिए था बट नहीं दिया क्वेश्चन पूछने वाले ने, तो उसने एज्यूम किया कि बच्चा अपने आप ही सोच ले कि मैंने थिकनेस नहीं दी पानी की, तो ना ही ले थिकनेस, तो यानी कि वो सेंटर ऑफ मास कितना डाउन कर गया, एल बाई टू। पर पॉइंट समझ में आया यहां तक कि क्या पता पानी इतने लेवल का बच जाता, तो नहीं बचा फिर ठीक है एल बाई टू, क्लियर है यहां तक, तो अब ठीक यहां तक तान्या क्लियर है। तो इस केस में अब नया सेंटर ऑफ मास क्या होगा, जो तो वॉटर है उसका कोऑर्डिनेट x2 minus l by 2, और जो ट्रे है वो अभी भी x1 पे है, टोटल मास m plus m है, दोनों सेंटर ऑफ मास की लोकेशंस हैं आपके पास, पुराना सेंटर ऑफ मास यहां पर है, नया यहां पर है, दोनों को माइनस कर दें, माइनस करके टर्म्स कैंसिल होंगी, सिंपलीफाई करें और आपके पास ये आंसर आएगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया गया, एक अजम्पशन के साथ कि पानी की कोई लेवल नहीं होगा, बिल्कुल फ्लैट होगा ट्रे के साथ। कोई डाउट इसमें, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत कंपटीशन में इस टाइप का शॉर्टकट लगता है, प्लीज एक बार गो थ्रू करें, देखें जरा क्या है क्वेश्चन।
वो समझ में आ गया ये क्वेश्चन, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है, वो कह रहा है कि दो पार्टिकल्स हैं, एक पार्टिकल m1 है एक m2 है। फर्स्ट पार्टिकल इज पुश टुवर्ड द सेकेंड थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ d, तो पहला पार्टिकल दूसरे को पहला पार्टिकल को पुश किया गया बाय डिस्टेंस ऑफ d, लेकिन इनिशियली पुश करने से पहले मान लेते हैं ये सेंटर ऑफ मास है m1 m2 का, मान लेते हैं ये ओरिजिन है और मान लेते हैं कि ये x1 दूरी पे है ये x2 पे है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, x2 कॉमा जीरो और इसका माइनस x1 कॉमा जीरो, ठीक है। मैंने क्या किया, इनिशियली जब मैंने d डिस्टेंस पुश नहीं किया तो सेंटर ऑफ मास की लोकेशन क्या m1 x1 m2 x2 बाय m1 प्लस m2, m1 कोऑर्डिनेट माइनस x1, m2 कोऑर्डिनेट x2 अपॉन m1 प्लस m2, तो ये जीरो है x कोऑर्डिनेट, ये कैंसिल हो जाएगा तो आंसर आएगा m1 x1 m2 x2। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक, ठीक, कोई डाउट इसमें? अब मैंने क्या किया, मैंने इस m1 को राइट की तरफ मूव करवाया बाय अ डिस्टेंस ऑफ d, तो मैं ये चाहता हूं कि सेंटर ऑफ मास अपनी लोकेशन चेंज ना करे, सेंटर ऑफ मास पहले भी 0, 0 अब भी 0, 0, तो सोचो अगर ये d डिस्टेंस पास आ गया, ये पहले कितनी दूरी पे था x1, तो अब इसका डिस्टेंस कितना हुआ x1 माइनस d, तो कोऑर्डिनेट क्या बनेगा माइनस x1 कॉमा d यहां का, और मान लो इसको मुझे पुश करना पड़ा बाय अ डिस्टेंस ऑफ d डैश ताकि सेंटर ऑफ मास यहां पर रहे, लेकिन ये पहले कितनी दूरी पर था x2, अब कितनी दूरी होगी x2 माइनस d डैश, अब नया सेंटर ऑफ मास निकाल, नया क्या सेंटर ऑफ मास का फिर कोऑर्डिनेट निकालने, तो जीरो ही रहेगा, चेंज तो करना ही नहीं, m1 जो है वो माइनस x1 माइनस d पे है, m2 जो है वो x2 माइनस d डैश पे है अपॉन m1 प्लस m2, सेम सॉल्व करेंगे जीरो हो गया, ये टर्म इधर आएगी पॉजिटिव हो जाएगी, ऐसी रहेगी, तो आपके पास इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी। इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 को लिखें, एक के नीचे एक लिख दी, इन्हें माइनस कर लें, 1 और 2 की इक्वेशन को माइनस करें, इस टर्म में से इसे, इस टर्म में से इसे, टर्म्स कैंसिल होंगी और एक शॉर्टकट निकल के आएगा, क्या m1 into d is equal to m2 into d dash, बहुत सही शॉर्टकट है। अगर आप सेंटर ऑफ मास की लोकेशन चेंज नहीं करना चाहते, जहां है वहीं के वहीं, तो अगर आपने m1 को d डिस्टेंस तक लेके आए हो तो m2 को d डैश पे लेके आए हो, तो इनका प्रोडक्ट हमेशा क्या रहेगा सेम, m1 into d is equal to m2 into d डैश, सीधा ही शॉर्टकट लगाएंगे न्यूमेरिकल्स में, प्रूव वन टाइम करके दिखा दिया, पर आपको सीधा शॉर्टकट ही लगाना है। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक, m1 into d is equal to m2 into d डैश, कोई डाउट इसमें, क्लियर है यहां तक? इसी के बेस पे ये एक प्रॉब्लम है, आज की लास्ट प्रॉब्लम है, इंक्लाइन प्लेन है, मास m है, इंक्लाइन प्लेन का मास 10 m है, फ्रिक्शन नहीं है, अगर ये मास को यहां से रिलीज करें और ये मास नीचे आए, क्योंकि फ्रिक्शन नहीं है, तो ये इंक्लाइन प्लेन पीछे जाएगा, बच्चे भी स्लाइड करते हैं ना ऐसे, और वो प्लास्टिक की स्लाइड है पीछे चली जाती है, एक्शन रिएक्शन इको वो मोमेंटम कंजर्वेशन टाइप ऐसा कुछ लगेगा, तो वो ब्लॉक नीचे आता जा रहा है, इंक्लाइन पीछे जाता जा रहा है। क्वेश्चन ये है कि इंक्लाइन कितना पीछे चला गया जब ये पूरा नीचे उतर गया, और आपको ये डिस्टेंस गिवन है 2.2, ये स्लाइड कितना पीछे आ गई, ये क्वेश्चन है।
सबसे पहली चीज ये देखते हैं कि जब मास m नीचे आ रहा है तो मास m का सेंटर ऑफ मास मास m के अंदर होगा, इंक्लाइन प्लेन का इंक्लाइन प्लेन के अंदर होगा, क्योंकि मास m नीचे आ रहा है तो सेंटर ऑफ मास अपनी लोकेशन चेंज करेगा नहीं करेगा, पूरे सिस्टम का नहीं करेगा, बिल्कुल सही, यही कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इसमें मोमेंटम कंजर्वेशन वाला सेम रूल है कि जैसे मैन बोट पे जाता है तो बोट पीछे आती है, सेंटर ऑफ मास अगर इनिशियली रेस्ट पे था तो फाइनल भी रेस्ट पे ही रहेगा, तो ये बिल्कुल भी नहीं कहना कि जब मास एम नीचे उतरेगा तो सेंटर ऑफ मास भी नीचे आ जाएगा, ना, इसका खुद का जरूर आएगा, इसका जरूर नीचे आएगा, पर इसका पीछे चला जाएगा ताकि एक्स कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ मास में कोई चेंज नहीं आएगा, एक्स कोऑर्डिनेट में नहीं आएगा, वाई में आएगा, वाई में इसलिए आएगा बिकॉज वाई में मोमेंटम कंजर्वेशन नहीं लगता, एक्स में लगता है, एक्शन रिएक्शन, एक्स एक्सिस में कोई चेंज नहीं आएगा, क्लियर है यहां तक? एक तो सीधा शॉर्टकट है करने का, पहला शॉर्टकट क्या है, पहले इस डायग्राम को समझते हैं साथ साथ शॉर्टकट से पहले, कि सपोज ये पिंक कलर का डायग्राम क्या शो कर रहा है कि यहां पर ये इनिशियल कंडीशन है और जब मास नीचे उतर गया तो फाइनली ये ब्लॉक पीछे चला गया, मैंने कोई भी एक रेफरेंस पॉइंट ले लिया, आप ये लो ये लो ये लो जो मर्जी लो, क्योंकि जब ये इंक्लाइन प्लेन राइट जाएगा तो ये पॉइंट भी राइट जाएगा, ये भी जाएगा और ये भी राइट जाएगा ऑब्वियसली, तो कोई भी ले लो, मैंने ये ले लिया, तो इनिशियली अगर ये पिंक कलर का इंक्लाइन प्लेन पीछे ना जाता और मास नीचे उतर जाता तो इस पॉइंट से दूरी क्या थी 2.2 है ना, एक्चुअल 2.2, पर ये तो पीछे चला गया जब मास फाइनल नीचे आ गया, तो ये इंक्लाइन प्लेन पीछे कितना शिफ्ट हो गया एक्स, तो ब्लॉक यहां कहीं उतरेगा, यहां नहीं उतर पाएगा, इंक्लाइन प्लेन इधर चला गया, तो ये भी एक्स होगा, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा 2.2 माइनस एक्स, तो ब्लॉक की दूरी यहां से कितनी है 2.2 माइनस एक्स, और इंक्लाइन प्लेन कितना शिफ्ट हो गया एक्स, पर सेंटर ऑफ मास एक ऐसी चीज है जो एक्स एक्सिस में चेंज नहीं होगा, इनिशियली जहां पर है फाइनली भी वही रहेगा, एक तो वो शॉर्टकट लग जाएगा जो भी ऊपर किया था, m1 into d is equal to m2 into d dash, m1 जो ब्लॉक है अगर वो इतना दूरी कवर करता है सेंटर ऑफ मास से तो इंक्लाइन प्लेन को इतनी दूरी कवर करनी है ताकि सेंटर ऑफ मास विल रिमेन एट रेस्ट, तो एक तो एक लाइन में आ गया m1 into d is equal to m2 into d dash, एक आंसर आ गया, नहीं करना तो ऐसे कर लो, सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट लगाओ एक्स एक्सिस में, मान लो ओरिजिन पे था सेंटर ऑफ मास जीरो कर लिया, ब्लॉक का मास लिया, ब्लॉक का मास का कोऑर्डिनेट क्या है माइनस, ये अगर 0.0 है तो माइनस 2.2 माइनस एक्स, यहां माइनस भी आएगा लगाने की जरूरत नहीं है, एक ही बात है माइनस 2.2 माइनस एक्स, और इसका कोऑर्डिनेट क्या आएगा प्लस एक्स, मैंने उल्टा ले लिया ये माइनस एक्स और ये, एक ही बात है, तो इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो रेस्ट पे रहेगा, तो यहां से एक्स कैन बी कैलकुलेटेड, मेरे को लगता है कि इससे बेटर यही ठीक है, m1 into d is equal to m2 into d dash, सीधा आंसर आएगा और क्लोज। और लास्ट क्वेश्चन, सॉरी वो लास्ट नहीं था, ये लास्ट टाइम, सॉरी दूसरे बैच में, मुझे लगा मैंने वहां तक करवाया, याद आया मुझे, वो भी कह रहे थे सर बस आज बहुत हो गया, तो फिर मैंने कहा था नहीं एक कर जाओ, लो फिर एक और कर लो, ये जो ऊपर वाले क्वेश्चन थे ना आइस वाले, ये वाले, इनके आने की प्रोबेबिलिटी मुझे पता नहीं कितनी है, ये एचसी वर्मा के क्वेश्चन हैं दो, तो वहां से लिए मैंने, बट क्योंकि डिफरेंट थे और लोग पूछ लेते हैं तो डाउट कहीं ना कहीं उनको टक्कर ही जाते हैं, सर ये कैसे होगा, ये हुआ नहीं, तो मतलब मेरे को नहीं अच्छा लगता कि लोग मेरे स्टूडेंट को लगे कि ये तो हुआ ही नहीं, तो मैंने बता दिए, एक्चुअल रियल टाइम प्रॉब्लम ऐसी आएगी, देखो ये कॉम्पिटिशन का क्वेश्चन आपके मेंस या नीट में से किसी का एक है, वो कहेगा दो पार्टिकल्स हैं, एक 1 kg मूविंग विद 2 m/s एक्स एक्सिस और दूसरा 2 m/s 2 kg का ब्लॉक एक्स वाई प्लेन, वाई एक्सिस गिवन है एक्सिस, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालो आई कैप जे कैप में, तो आपने फर्स्ट मास कितना लेना है 1 kg, वी वेक्टर क्या लेंगे 2 i कैप एक्स एक्सिस, आई कैप जे कैप में 2 i कैप, इसका मास क्या लेंगे 2 kg, वेलोसिटी वेक्टर v2 वेक्टर क्या लेंगे 2 cos 30 i कैप, नीचे की तरफ इसका कंपोनेंट आएगा 2 sin 30 माइनस जे कैप, क्योंकि नीचे की तरफ माइनस जे कैप है, बना लेंगे वेक्टर, v2 वेक्टर आ गया, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास वेक्टर क्या होता है m1 v1 वेक्टर m2 v2 वेक्टर अपॉन m1 प्लस m2, m1 पता है v1 वेक्टर, m2 पता है v2 वेक्टर अपॉन m1 प्लस m2, सिंपलीफाई करें सॉल्व करें और वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास i और j में कैन बी कैलकुलेटेड, ये आपका फाइनल आंसर होगा।
पॉइंट क्लियर है यहां तक? कोई डाउट? ये इस टाइप की प्रॉब्लम तो मैनेजेबल है, इजी, ऐसा ही आता है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं नॉर्मली नीट और मेन तक, तो ऐसे ही रहता है। पॉइंट मार्क्स भी देते हैं, मेंस वाले कभी कभी दे देते हैं इंटीग्रेशन सेंटर मार्क्स, रॉड टाइप क्वेश्चन दे देते हैं, बट जो भी आएगा वो इसी टाइप का आएगा। मैं आपको नेक्स्ट टाइम दिखाऊंगा क्या आएगा रियल टाइम।